Hey guys, this is Rekha. Welcome to Rekha's Kalakriti. If you are new to my channel, then first hit the bell icon below. आज हम गोंड आर्ट के बारे में देखेंगे कि गोंड आर्ट किस तरीके से की जाती है। यह मध्य प्रदेश के मंडल जिले की प्रसिद्ध जनजातियों में से एक गोंड द्वारा बनाई गई चित्रकला की विशिष्ट कलर शैली को गोंड चित्रकला कहते हैं हम। इसके द्वारा बनाए गए चित्रों का आकार शायद ही कभी एक रंग के होते हैं, कभी इनमें धारियां, छोटी छोटी बिंदियां, अन्य ज्यामितीय निर्मितियों से भरा जाता है। ये कलाकृतियां हस्त निर्मित या हाथों से बनी हुई कागज पर पोस्टर रंगों से बनाई जाती हैं, पर मैं आज आपको इनको ब्रश पेन से सिखाऊंगी जिनको पोस्टर कलर्स नहीं आता है। आज हम गोंड आर्ट बना रहे हैं, तो गोंड आर्ट में हम इस तरीके से कोई भी पिक्चर निकाल सकते हैं। अगर नहीं आता है हमें गोंड आर्ट बनाना, तो हम इंटरनेट से कोई पिक्चर रेफरेंस के लिए निकाल सकते हैं और इसको देखकर हमें बनाना है। इस पर मैंने पेंसिल से डॉट डॉट पे बना लिया है। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप इसका बड़ा निकाल करके आप इसको ट्रेस करते हैं। ट्रेसिंग का मैंने लिंक दिया हुआ है, किस तरीके से ट्रेसिंग करनी है वो मैं लिंक डाल दूंगी। मेरा पहला वीडियो, पहले ट्रेसिंग का वीडियो, वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरह से परफेक्ट ट्रेसिंग करनी है। और मैं इसको पिक्चर्स को साइड में रखकर आप रेफरेंस के साइड में रख सकते हैं, जिससे आपकी आर्ट में कोई दिक्कत ना हो पिक्चर बनाने में। ये हमारा पूरा पिक्चर बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको कलर करेंगे, जिसके लिए हमने ब्रश पेन लिया है और स्केच कलर्स लिए हैं। इनसे हम कलर करेंगे। जिनको वाटर कलर नहीं आता है, पेस्टर कलर नहीं आता है, उनके लिए है, ताकि वो भी इस पेंटिंग को बना सकें। ये हमने टोटल ब्लैक कलर से आउटलाइन कर लिया है और जितनी भी हमारी पेंसिल की आउटलाइंस है उसको हम रब कर देंगे और पूरा क्लियर कर देंगे, रबर क्लियर कर देंगे। पूरा रबर का एक भी वो नहीं बचना चाहिए, ताकि हमारी पेंटिंग कलर अच्छे से हो। ये हमारा पूरा कलर हो गया है। अब इसमें हम डिटेलिंग करेंगे। इस पेंटिंग में जो जो डिटेलिंग होती है, लाइंस होती हैं और जो सींगे हैं, उनमें से एक लाइन छोड़कर हम एक लाइन को पूरा ब्लैक कलर से कलर कर देंगे और जितना भी डिटेल्स अब जितनी भी हैं वो सब डिटेलिंग करेंगे इसके अंदर। Thank you.
If you like my video, do like, share, subscribe my channel and keep loving my videos. Thank you so much.